डेरिवेटिव हमारा होता है सीकेंट स्क्वायर, तो डिफरेंशिएटेड बोथ साइड्स तो we will be having dy upon dx tan का डेरिवेटिव secant square into x square plus 5. अब एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर ये फर्दर डिफरेंशिएबल है तो आपने इसका डेरिवेटिव साथ में जोड़ देना है into derivative of x square plus 5. So this is dy upon dx equal to secant square x plus 5 into डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, 5 का डेरिवेटिव इज 0, सो दिस इज 2x सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 5, सो दिस इज योर आंसर. द डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज 2x इनटू सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 5. नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 root cos of x square. Next step, 2 root cos x square. Cos जो है उसका derivative is minus cos x square. तो हम जो है पहले इसको rewrite कर दीजिए. This can be written in the form of cos of x square. Raise to power 1 by 2. Root को हमने power को form में लिख दिया, that is power of x square to the power 1 by 2 multiply कर रहे हैं root से. 2 constant है, as it is चलता जाएगा, तो differentiating two sides with respect to x, dy by dx हो जाएगा y का derivative, 2 as it is आ जाएगा. अब हमने form of x square to the power 1 by 2 को differentiate करना है. तो cot क्योंकि ये पूरा आपका पहले किसी पावर में आ रहा है, पूरी ब्रैकेट जो है किसी पावर में आ रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी दो cot का पावर फॉर्मूला, तो दिस विल बी कम हाफ आ गया जाएगा cot ऑफ x स्क्वायर टू दी पावर 1 बाय 2 माइनस 1 करोगे दैट इज टू माइनस हाफ जो आपको पावर गिवन है वो पावर आके देन यहाँ पे उसमें से माइनस वन करोगे, यहाँ पे हाफ था तो माइनस वन करके दिस विल बी माइनस हाफ इनटू ये आपका फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इन डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स ये क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये और ये रूप में कैंसिल आउट कर दूंगी तो कॉट एक्स स्क्वायर के साथ माइनस वन बाय टू कैन बी रिटन एज वन ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर to the power 1 by 2 into अब derivative of cos is minus cos x square x square की जगह x square अब क्योंकि x square आपका further differentiable है तो इसका derivative is 2x so this can be written as minus 2x cos x square x square upon ये वाला की फॉर्म में आ जाएगा पावर cos x square so this is minus 2x cos x square x square upon root cot x square so derivative of 2 cot x square is minus 2x cos x square upon root x square now moving on to the next question Find the derivative of root tan root x. Root of tan root x. Now we differentiate from the both sides with respect to x. So again, पहले इसको मैं power to common root this will be tan root x to the power half. Same thing जैसे previous question में दिया है power आ गया जो यहाँ पे tan root x raise to power जो previous power थी उसमें से minus बात करोगे half minus one is equal to minus half. अभी tan root x further differentiable है तो d by dx of tan root x
अब ये वाला पावर माइनस हाफ जो है नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, तो दिस इज secant स्क्वायर sin एंगल जो है वो एज इट इज रूट एक्स, बट क्योंकि ये फर्दर डिफरेंशिएबल है इनटू डेरिवेटिव ऑफ, नाउ दिस इज 1 अपॉन secant स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट tan एक्स इन. अब डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर, जब इसका डेरिवेटिव होगा हाफ आ गया आपका एक्स की पावर हाफ माइनस वन माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस वन बाय टू, एक्स की पावर वन बाय टू हो जाएगा डिनोमिनेटर में आके, तो दिस इज वन बाय टू, तो x to the power half यानी कि root x का जो आपका derivative है that is 1 by 2 root x. आप चाहो तो अगर ये आपको याद है तो this is secant square root x upon 2 into 2 4 root x into root tan, तो इसको root x और root tan x को आप combine करके भी लिख सकते हो, so this will be your answer. Note it down and now moving on to the next question. तो ये रूल जो है आपका ये चेन रूल आ जाता है. अब next question कर रहे हैं. हमें दिया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस sin 2x अपॉन 1 प्लस sin 2x. तो इस तरह की फ्रैक्शन लाइन को थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा. सो वी आर गेटिंग 1 माइनस sin 2x अपॉन 1 प्लस sin. साइन 2x का मुझे फॉर्मूला पता है दैट इज 2 साइन x cos x. और दूसरी तरफ मुझे ये भी आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का. अगर साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 में मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करती हूं तो यहां पे जो मेरे को पता है साइन प्लस cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए पावर 2 नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल जो 1 है उसको रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स 1 हमने रिप्लेस कर दिया है इसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है. और यहाँ पे साइन का फॉर्मूला अगर मेरी फॉर्मूला में ये सीधा प्लस स्क्वायर माइनस 2 ए सेम ही है डिनोमिनेटर में तो चाहिए 1 को हम रिप्लेस कर देंगे आइडेंटिटी से और साइन 2 एक्स की जगह आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स. तो डिनोमिनेटर में मेरा जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए. अब रिराइट करते हैं इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स कैन बी रिटन एज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर और दिस कैन बी रिटन एज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल. अब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए माइनस बी. दोनों टर्म्स स्क्वायर से मैंने ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को
a upon b whole square लिख लिया और पूरा रूट के नीचे आपकी रूट और स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आई एम लेफ्ट cos x minus sin x upon cos x plus sin x. अब फिर से मुझे इसको सिंगल टर्म में रिड्यूस करना है तो देयर रिड्यूस हम क्या करेंगे डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स या डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x या taking cos x common from the numerator and denominator. We will have cos x 1 minus sin by cos. Cos in the numerator, cos to cos cancel out again. 1 minus sin by cos is 1 minus tan x. This is 1 plus. अब मैं सिंगल टर्म में रिड्यूस कर सकती हूँ. मुझे ये पता है फॉर्मूला 1 minus tan x upon 1 plus tan x is tan of pi by 4 minus x. यानी कि y equal to root 1 minus sin 2x upon 1 plus sin 2x. ये मेरा इक्वेशन रिड्यूस हो गया y equal to tan of pi by 4. सिंगल टर्म आगे मेरे पास तो इसका मैं जो है ले सकती हूँ Now the next question. Find the derivative of. इसमें कोई डाउट है तो you can ask or बता. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ sin x एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ मॉड sin x एट x इज इक्वल टू देखो x is equal to pi by 4 means first quadrant and we know that first quadrant में जो हमारा sine है that is positive. यानी कि मेरा ये that is reduced by equal to sine x. y equal to sine x में ये reduced हो गया क्योंकि x equal to pi by 4 means first quadrant and first quadrant में sine is positive. अब इसका derivative लेंगे sine का derivative is cos. And at x is equal to pi by 4, which is mathematical, can be cos pi by 4. Pi by 4 means 45 degree, so that is 1 by 4. So d by 1 is x, and x is equal to pi by 4 is 1 by 2. So agar aapko at x is equal to given hai, find the derivative at x is equal to this, so derivative pura lene ke baad, जहां जहां x है उसको हमने pi by 4 से रिप्लेस किया. अब cos pi by 4 की नीचे वैल्यू होता है दैट इज 1 by 2. दिस इज योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क.
otherwise next time we will meet. Exponential or log derivative exponential triangle, which is given as y is equal to e to the power y is equal to x का यू नो डेरिवेटिव जो है दैट इज e टू द पावर x. तो यहाँ पे e टू द पावर x की जगह क्या है हमारे पास cot x. फिर से आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. तो y डैश या dy by dx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. दिस इज e टू द पावर cot x. अब क्योंकि ये फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ cot. So this is e to the power cot x into derivative of cot x is minus cos x square x. So e to the power x का derivative वैसे e to the power x होता है, but यहाँ पे x की जगह cot x था जो further differentiable है, तो into कर देना है हमने derivative of cot x. Same question थोड़ा सा हम change करते हैं. यहाँ पे अगर है आपके पास cot of x square, तो यहाँ पे सेम एक्सपोनेंट की पावर सेम रहेगी, e रेस टू पावर कॉट एक्स स्क्वायर रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर. अब क्योंकि ये एक्स स्क्वायर फिर से डिफरेंशिएबल है तो फिर से इसका डेरिवेटिव यानी कि 2x से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो. तो जहां जहां x था वहां वहां मैंने रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर से. ये एक्स स्क्वायर आपका फर्दर डिफरेंशिएबल था तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x. सेम फिर से थोड़ा सा इसी में चेंज करते हैं. यहां पे आ गया मेरे पास रूट. तो e टू द पावर जो भी पावर गिवन है सेम एज इट इज इनटू रूट कॉट एक्स स्क्वायर फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट कॉट एक्स स्क्वायर. रूट कॉट एक्स स्क्वायर जो है दैट कैन बी रिटन एज cot x square to the power 1 by 2 power whole की आ रही है तो power formula लगा दोगे आगे ये जो है ये as it is चलता जाए. half आगे आ जाएगा cot x square to the power minus half हो जाएगा into derivative of cot x square bracket क्योंकि हमारी ये further differentiable है तो into derivative of this. तो अब ये as it is आ जाएगा minus half को denominator में लेके जाओगे plus half बन जाएगा उसका root ले लिया हमने तो e raised to power root cot x square into half और ये नीचे लाके मैंने फिर से root की form में लिख दिया जैसे previous questions में हम कर रहे थे. अब इसको मुझे जो है इसका डेरिवेटिव लेना है. कॉट का डेरिवेटिव इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर फर्दर डिफरेंशिएबल है तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x. रीराइट कर लेंगे ये वाला 2 और ये वाला 2 क्योंकि सभी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विद माइनस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर e to the power root cot x square upon में root cot x square. तो एक्सपोनेंट में इस तरीके से आपका ये चेन रूल जो है वो लगेगा. आपको गिवन था e raised to power root of cot x square. तो e raised to power x as it is into ये पूरा फर्दर डिफरेंशिएबल था तो into derivative of this. अब इसका डेरिवेटिव क्योंकि पूरे की पूरी टर्म रूट के नीचे गिवन है तो इसको हमने पावर की फॉर्म में लिख लिया. रूट की जगह रिप्लेस कर दिया हाफ से पावर. अब यहाँ पे पावर फॉर्मूला लगाया पावर आगे आ गई ये एज इट इज रहा और पावर में से वन माइनस कर दिया. अब ये फर्दर डिफरेंशिएबल था तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस अगेन. ये वाली टर्म्स ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं इनको एज इट इज ले लोगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर इज माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये हमने लिख लिया. अब ये फिर से डिफरेंशिएबल है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव
टू एक्स, देन टर्म्स को रीराइट करोगे, अरेंज करोगे एंड देन यू विल u बाई वी फॉर्म बन रही है आपकी, तो u बाई वी लगा लो, v का स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v. आप सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पे ये x इंटू वन बाई एक्स बन रहे, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. दोबारा देख लो फॉर्मूला हमने क्या लगाया है, डिनोमिनेटर में u बाई वी फॉर्म है, डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी, तो दैट इज इक्वल टू v का स्क्वायर कर देते हैं, देन v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v. तो सिंप्लीफाई कर लोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वन माइनस लॉग x अपॉन में x स्क्वायर, सो दिस इज द डेरिवेटिव, वन माइनस लॉग x अपॉन x स्क्वायर. So I hope this one is clear. Next है differentiate करना है हमने log of log x. Differentiate log of log x. अब बाहर जो है वो log है, तो log का derivative is वन upon, तो इस वाले लॉग की जगह वन अपॉन और ये एज इट इज. अब ये फर्दर डिफरेंशिएबल है, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, वन अपॉन लॉग एक्स आपका एज इट इज आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज वन बाई एक्स, तो रीराइट हो जाएगा ये आपका वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई log of log x is 1 upon x log x. Next hai, find the derivative of x cos x plus e to the power x. So, मतलब अभी तक हमने single single terms के किए, ये सारे combine होके भी आपके साथ आ सकते हैं आपके पास. So, y equal to x log x प्लस ई टू द पावर एक्स, एक्स कॉस एक्स, नॉट लॉग एक्स, इट्स कॉस एक्स. तो यहाँ पे यू इंटू वी लगा लोगे, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज यू इंटू वी, मीन्स एट अ टाइम एक को आपने कॉन्स्टेंट रखना है और दूसरे का आपने डेरिवेटिव ले लेना है. तो एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, देन कॉस एक्स प्लस के साथ कॉस एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, ये हमारा फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव हो गया, देन प्लस ई टू द पावर एक्स, ये एज इट इज, सो दिस इज माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स. तो ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपने इनका ध्यान रखना है. ये आपने जो है मतलब जिसमें चेन रूल वाले जो हमने पहले वाले जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस दिए थे, दैट काइंड ऑफ सिंपल डेरिवेटिव्स, उनमें दो या तीन टर्म्स जो हमने सिंपल किए हैं, सिंगल सिंगल टर्म के डेरिवेटिव्स किए हैं, वो इस तरीके से प्लस या माइनस की फॉर्म में आ सकती है.